कामों की तो तुम्हारी मेरी गारंटी, काम मैं करूंगा और पहले भी मर मिटा फिर मर मिटूंगा आप लोगों के ऊपर। आप चिंता मत करना, आप लोगों को ऊपर आज नहीं आना दूंगा। इस मेवात में चाहे मेरे से आप एफिडेविट ले लेना, हमेशा 24 घंटा भाइयों के लिए खड़ा हूँ, हमेशा आप लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, हर टाइम 24 घंटा मोबाइल खुला है, और जब सरकार पावर मांगे इंशाल्लाह आपके बाल बागे करने की धरती पे कोई नहीं होगा। मैं एक बात और कहूंगा, तुम सब बच्चे खड़े हो, तुम पे मेरा सारा इलेक्शन डिपेंड है। एक तो आपको नशे से दूर रहना है, एक ओलेक से दूर रहना है, आने वाला भविष्य आपका है, आपका कर्ज है मेरे ऊपर। बच्चों को नौकरी दिलाना, चाहे उद्योगों में दिलाऊं चाहे सरकारी नौकरी दिलाऊं, पानी तो सारो ही को दिल्ली में बिको प्याजन में, सारो पानी प्याजन में बेच दिन में, जब तो ध्यान दे ना, पानी ध्यान आ रही है। मगर अगले आने द्वारा 2 महीने में रेनीवेल का पानी आपके घर घर में पहुंचा दूंगा। पाठखोरी में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें पानी नहीं जाएगा। एक बात और कह रहा हूं, लोकसभा वाली बात मत कह देना, सब सो गए थे उस दिन, 24 घंटा लाइट आई थी। इस बार आपको घर से निकलना है और कम से कम 90 से 95% पोलिंग करनी है, तब जाके आपको 90% वोट मिलेंगे। क्योंकि हम किसी के नौकर नहीं है कि आपको वोट देंगे, देखो वोट उसको देंगे जो मेवात की आवाज को उठाएगा और मेवात के साथ सुख दुख में रहेगा। 5 साल तक लोगों के फोन नहीं उठते, आके माफी मांगना रोना शुरू कर देते हैं। ये कहां की इंसानियत है, आप ही बताओ। आपको जरूरत पड़ रही है कोई हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर की, जरूरत पड़ रही है कोई पुलिस तंग कर रही है भाई, जब हम फोन नहीं उठाएंगे, हम मदद नहीं करेंगे, तो हम किस बात के आपके वोटों के हकदार है, किस लिए हकदार है? हकदार वो है जिसको आप समझो, जो आपके सुख दुख में 24 घंटा आपके साथ और मेवात के साथ खड़ा रहे, बच्चों के साथ खड़ा रहे। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होंगे तो ये सोचो कि मेवात का हर बच्चा मुख्यमंत्री होगा हरियाणा का। इसने हमेशा भाई को भाई से लड़ाया है, धर्म जात की राजनीति की है, कभी इनसे पूछो विकास की बात ही नहीं करते, जब विकास की बात करते हैं तो चुप हो जाते हैं। इनसे कहीं डिबेट करा लो, मैं तो जाता नहीं हूं क्योंकि आप लोगों के साथ रहूं। मुझे ये बता दे मेवात में पिछले 10 साल में मुख्यमंत्री ने क्या किया, बीजेपी सरकार ने क्या किया। आप आने वाली 5 तारीख को अपने भाई को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के विधानसभा में भेज देना, जो आपका हक है, आपका हक के, मेवात के बच्चे के हक को कोई नहीं खा सकता। किसी में हिम्मत नहीं है कि आपके हक को कोई डकार जाए,